morning, guys. Good morning. ये देखिए व्यू कैसा है व्यू यहाँ से. गुड मॉर्निंग. ब्लॉग शुरू. ये बकरी कितना प्यारा है. हाय हाय बडीज. के लिए लाया घास. गाय का. गाय. ओ गाय के लिए. हाँ. उसने गाय के लिए घास लाया. So cute. क्या खा रहे हो? इतना प्यारा. गाइस ये सेकेंड डे है. डे टू हियर इन शिरूर विलेज. यहाँ पर MIDC कंपनी जो है बहुत फेमस है. तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो एशिया में सबसे ऐसे लिस्ट पे आते हैं. आई हैव जस्ट गूगल दिया था. शिरूर गांव पे 115 जैसे गांव हैं. मैं जो गांव पे हूँ इस गांव का नाम है खरदे. है ना? खरदे. हाँ. तो करदे. करदे. हाँ तो करदे गांव पे है मैं. और ये बच्चे मुझे बता रही है. हाँ तो चलिए जाते हैं. आज के दिन शुरू करते हैं. धूप निकल आई है. सुबह की 7 बज रहे हैं. मैंने इनका फोटो लिया तो वो एक्साइटेड हो गया. उसने बोला चलो उधर फोटो लेते हैं. तो हम फोटो लेने जा रहे हैं. वो अभी मैं उसको अच्छी तरह से पूछती हूँ इस गांव के बारे में कुछ कुछ, क्योंकि उन लोग यहाँ पे रहते हैं ना. तो यहाँ पर रख रही हैं वो गाय के लिए. है ना? गाय कब आएगा खाने के लिए? गाय कब आएगा खाने के लिए? कब आएगा? क्या गाय का? हाँ गाय कुछ है उधर ही ना. वो भैंस है ना? गाय भी है ना. अच्छा अंदर पानी है ना. देख तो अंदर पानी. ओ अच्छा अच्छा इधर है. इधर देखो बच्चा. हाँ. अंदर जा ना. अंदर बच्चा भी है. हाय दूध दिया? दूध दिया आप लोग? बोलते नहीं आता. बच्चे भी है इधर. उस दिन जन्म हुआ ना. कितना दिन हुआ जन्म होते हुए? 3-4 दिन. 3-4 दिन ना. ओ कितना प्यारा. तो इस गांव पे गाइस सारे लोग खेती ही करते हैं. और कोई कोई लोग कंपनी में जाते हैं. MIDC कंपनी में है ना. हाँ. और ज्यादातर लोग तो खेत करते हैं ना. खेती करते हैं. हाँ तो आप लोगों का क्या क्या खेत है? गन्ने का खेत है. प्याज का खेत है. बाजरी का खेत है. अच्छा इसको ना उसने क्या किया है ये वो लाया है. हाँ उसके बाद इस पे मशीन पे खुदा है और यहाँ पर निकाला. 2 मिनट रुक गया. चालू करेंगे? हाँ, चालू करते हैं. अच्छा ठीक है. फिर इसके बाद इसको लेके वो गाय को खिलाता है. फिर गाय दूध देता है. फिर दूध को फिर बेचते भी है. फिर यहाँ पर गाय खाना खा रहे. कितना बड़ा गाय है और सुंदर है. प्यारा. सुबह सुबह 6 बजे से चालू हो गया ना काम. 6 बजे. ये शुरू हो गया. पानी क्या के लिए? क्या के लिए पानी भर रहा है? गाय का पानी पीने के लिए. गाय को? हाँ. ओ गाय के लिए इधर में टंकी रखा है. सिंटेक्स. क्या आई सरताई बुला रही है? हाँ, चलो 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 जाते हैं. काका हाय नमस्ते.
आप ब्रश कर रहे हो? ब्रश कर रहे हैं। मत काट दो। नहीं, देखो काका कैसे ब्रश कर रहे हैं। हाथ में कोलगेट लिया और उंगली से ब्रश कर रहे हैं। कितना प्यारा है। चलो सुबह सुबह नाश्ता बन रही है। इधर बन रहा है रोटी, ये है आटा का रोटी ना। मैं कॉफी बना रही हूँ खुद के लिए। इधर कॉफी लगाया, पानी उबाल रही हूँ। और इधर बन रहा है गोभी की सब्जी चपाती के साथ खाने। इस तरफ चूल्हा है, रोटी बन रहा उधर। और उसके बाद इधर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, इधर सब्जी बन रहा है। ये है मेरा पानी गर्म। मुझे कॉफ़ी के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता, इसीलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी लेके आया छोटा पैक। हाँ रख दीजिए, हो गया मेरा कॉफ़ी। काला दाल बन रहा है इसमें। काला दाल ना वाल, वाल 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 बन रहा है इसमें, काला कलर का है। और गुड्डी मुझे बताओ आप दोनों को कैसा लगा माला? अच्छा मिल... लगा। अच्छा अच्छा लगा। और अच्छा लगा। और कुछ बोलो। बहुत मस्त लगा। फिर तुम आया। हाँ। बहुत बहुत मस्त लगा। मस्त लगा ना। अपन गोवा में जाएंगे। हाँ और... बोल रहे हैं गोवा में जाएंगे, फिर नगर में जाएंगे, कुछ भी बोलता है वो। आप कितनी उम्र की हो? हम नौ। नौ उम्र की हो? हाँ। और आप? अब मैं श्वेरिया चला रही है बाइक। जाओ यहाँ पर पूरा बाजरी सुखाया है। ये बाजरी, बाजरी की रोटी होते है ना जो मैंने कल के व्लॉग पे दिखाया था, वो इसी से बनता है। ये बाजरी है। रांजन गांव में भी जब ब्लॉग किया था तो मैं बाजरे के खेत दिखाया था आप लोगों को। इसको सुखाने के बाद ग्राइंड करके आटा, बाजरे का आटा बनता है, मतलब रोटी बनता है। मैं बैठी हूँ ऐश्वर्या के साथ बाइक पे। ये बाइक पे जा रहे हैं हम। ओके गाइस, सुबह सुबह दूध निकाल के गर्म किया। कितना मलाई निकला है, प्योर, पूरा प्योर, थोड़ा भी पानी नहीं गया। बहुत टेस्टी होता है मलाई मलाई। तो मैं अभी नहाऊंगी, उसके बाद नाश्ता करूंगी और उसके बाद साड़ी पहनने वाली हूँ। कुछ कुछ रील्स बनाना है साड़ी पहन के और फोटोज निकालने मुझे। तो ठीक है, मैं अभी नहाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। स्टे विथ मी, इट्स गोना बी सो इंटरेस्टिंग। गाइस मला मराठी साड़ी पन, क्या बोलते उसको, पहन रही हूँ। मराठी साड़ी गाँटली, मला मराठी साड़ी गाँटली। फाइनल लुक में आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे लग रही हूँ। मैं दिखाती हूँ और बहुत सारा फोटोज भी लेने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू ऐश्वर्या मुझे तैयार करने के लिए। अभी दिखाती हूँ अच्छे से। लुक एट मी गाइस, वाओ अच्छा लग रही है। फोटो निकालूंगी अभी बहुत ज़्यादा, आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं देख के। लेट मी नो। पता नहीं हुआ कि नहीं। आया, रुको रुको रुको, डबल डबल आया, डबल डबल क्यों आया। हाय, तो कैसे लग रहे हैं हम लोग? मी कामी कशी वाटते दोगी? क्या बोला? मी कशी दिसते? आम्ही कसे दिसते? आम्ही कशी दिसते? तुम्ही छान दिसते। गाइस मैंने बहुत सारा रील्स वीडियो बनाया है, आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम में चेक करना मेरा रील्स वीडियो देखने के लिए। और जिंगार पे भी डांस किया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमें पूरा मराठी, ये जो साड़ी है मैंने गेटअप जो है पहली बार पहनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद को इतना एडमायर कर रही हूँ, मतलब बार बार रील्स बना के इतना एडमायर कर रही हूँ।
एंड मुझे बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिला है कि अच्छा लग रहा है करके। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरा रील्स वीडियो देख के। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, मेरा यूज़र आईडी जो है तबाया मैना, वही सेम है जैसा यूट्यूब पे है वैसा ही है। और ज़रूर ऐश्वर्या अनिल ऑफिशियल को भी चेक करना, हम दोनों का रील्स बहुत सारा ढेर सारा बहुत ज़्यादा होगा। कितना अच्छा था सब कुछ, अच्छा था ना? हाँ बहुत बहुत मस्ती किया बहुत। ऐश्वर्या इधर है और रील्स बना रही है। हाँ, नहीं रील्स नहीं बना रही हूँ। अच्छा 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 ठीक है। कैसे दिख रही हूँ मैं सारी? बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर अंधेरा है बहुत ज्यादा, बहुत से वाटर लाइट आ रहा है। बहुत सुंदर लग रही है आमची आवड़ी। अच्छा ठीक है, चलो रैप अप। हमारी शूट करके हो गई है रील्स बहुत सारा, और अभी हम खा रहे हैं जेवन। ये है रोटी जो सुबह बनाई थी और गोभी की सब्जी, और ये है काड़ावाल। हम खाएंगे अभी, देखिए ये है काड़ावाल और ये है गोभी की सब्जी, थोड़ा सा चना भी डाला है ना उसमें, उसके बाद रोटी खाएंगे। खाना वाना खा के हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए और वीडियो वगैरह एडिट कर रहे थे। अभी हम जा रहे हैं खेत की ओर, थोड़ा सा बाजरे के खेत जा रहे हैं देखने के लिए क्या है क्या नहीं। चलिए खेत जाते। ये है पूरा प्याज का खेत जो पहले भी मैंने दिखाया है आप लोगों को घर से, और उसके बाद पीछे तरफ पे है बाजरे के खेत। प्याज को मराठी में कांदा बोलते हैं। ये पूरा कांदे का खेत है और पीछे तरफ देखिए पूरा बाजरे का खेत है। ये जो प्याज लगाया है इधर, ये पूरा बीजन बोलते हैं, बीजन मतलब सीड टाइप के, इसको निकाल के फिर बड़े खेत में डालते हैं, फिर वहाँ से इसका प्लांटेशन मतलब उसका कल्टीवेशन होता है। तो पीछे तो बाजरी बहुत सारे निकाल के तैयार है, बाजरी तोड़ के पूरा खेत कर रहे हैं औरत लोग, देखते हैं कैसा हो रहा है। देखिए कितना बाजरी निकाल के रखा है, पूरा बाजरी ही बाजरी है पूरा खेत पे। देखिए बाजरी बाजरी बाजरी, और वहाँ देखिए भाभी जी लोग सब कर रहे हैं खेत की। देखिए कितना बाजरी निकाला, सुबह से लेके अभी शाम भी हो गए हैं, धूप डलने को है, फिर भी इन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बाजरी निकाल रहे हैं। बाजरी जो है ना बहुत मुश्किल से इसको प्लांटेशन करना होता है, और ये सब जगह पे नहीं मिलते, प्रॉपर महाराष्ट्र पे मिलते हैं बहुत लोगों के खेत पे। ये देखिए गाइस बाजरी कितना सुंदर दिखता है, ऐसे दिखता है सामने से। इसी इसको है ना अच्छे से धूप पे सुखाते हैं, उसके बाद ग्राइंड करते हैं, आटा बनाते हैं बाजरी की रोटी। बाजरी क्या बोला आपने अभी गन्ने को? उस नहीं, गन्ने को मैंने क्या बताया आपको, हम क्या बोलते मेरे गांव पे? क्या बताया था अभी? उन्यार। हाँ मेरे लैंग्वेज पे कुन्यार बोलते हैं, कुन्यार कुन्यार। हाँ और यहाँ पर गन्ने बोलते हैं ना? उस। अच्छा दिखाओ। हाँ उस, ये है उस बोलते हैं उन लोग, और इसको बोलते हैं गन्ने जनरली, और उन लोग मराठी में उस बोलते हैं, और हम कुन्यार बोलते हैं। और एक बार बोलो कुन्यार। ये वाला जो तीना वाला बनाया है वो कांडा रखने बनाया, कांडा प्याज ना, बरोबर ना? हाँ हम आए हैं ये मामा, ये छोटा मामा के घर पे। हाँ आपका घर है ना? माला वेलकम, माला वेलकम करो। माला वेलकम करा दीदीला, वेलकम बोल, वेलकम मन फक्त बोल, थैंक यू। तो हम आए इसके गांव पे मतलब खेत पे, देखिए कितना सुंदर है, इतना सुंदर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम केरला पहुंच गए हैं, केरला वाला वाइब दे रहा है। और ये भैया है काम कर रहा है, और यहाँ पर घर है, बहुत बड़ा बड़ा नारियल का झाड़ है। हाँ ये देखिए ना, नहीं चढ़ सकते, बहुत बड़ा बड़ा नारियल, कितना सुंदर। हाँ ना इतना सुंदर लग रहा है। हाय कितना प्यारा बच्चा। गाइस आप देख सकते हो मैं अभी ये कांदा के खेत पे हूँ, और आप आसपास देख सकते हो कांदा और बाजरे का खेती आपको ज्यादा दिखेगा इस गांव पे,
और इतना अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, पूरा केरला वाइब आ रहा है, साउथ इंडिया वाइब आ रहा है, इतना सुंदर। मैं गई नहीं केरला अभी तक, बहुत जाने का मन है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं केरला पे ही हूँ। जब जाएगा तो क्या होगा वहाँ पर? ये yes, हम लोग जल्दी जाएंगे। हाँ, जाएंगे हम, yes, yes, हमारा हर एक अभी नया नया एक प्लान होगा, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ आपको अलग ही एंटरटेन करेंगे जरूर। ये यहाँ पे रुको। गुड मॉर्निंग गाइस, यार को बुलाया नहीं? हाँ आती हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे है, दो रात हमने यहाँ पे सोए एंड दिस इज द थर्ड डे। तो मैं जा रही हूँ अभी इस गांव को छोड़ के, इतना अच्छा लगा हर एक चीज़ इस गांव के बारे में, मतलब एकदम अपना सा लगा है, अपने घर पे हूँ जैसे ही लगा मुझे यहाँ पे रह के। एंड लुक एट द व्यू, बाहर इतना अच्छा हरियाली हरियाली, आई लव विलेज लाइफ, एज यू गाइस नो आई लव विलेज लाइफ। एंड मेरे गांव पे तो जो है वो आप लोग को देखने को मिलता है लाइक मेरे ब्लॉग्स पे, बट ऐसे बार बार महाराष्ट्र कल्चर और यहाँ के विलेज लाइफ भी मुझे शूट करने नहीं मिलता, बट मैं आई हूँ तो पुणे आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब थोड़ा होने से भी शूट करें, तो इसलिए मैंने किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। मैं अभी खाना खाने वाली हूँ, मैं ब्लॉग खत्म नहीं करूँगी, मतलब थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो दिखाऊंगी। दे कॉलिंग मी फॉर ब्रेकफास्ट, तो मैं ब्रेकफास्ट खा के हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो प्याज और टमाटर का चटनी और यह है चापाती। गाइस फाइनली इस गाँव को टाटा बाय बाय बोलने के समय हो गया है। आई वुड नॉट से बाय फॉर एवर, आई विल से आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि मुझे मराठी फैमिली मिल गई है, मेरी अपनी मराठी फैमिली मिल गई है, मुझे ऐसे लगी है, क्योंकि इस गांव ने मुझे इतना प्यार दिया है, इस गांव ने ही नहीं ये पूरी फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया है, अपनी बेटी की जैसा रखा है मुझे 3 दिन। तो यस गाइस अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ से निकल रही हूँ, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मेमोरीज़ बना लिया है, और व्लॉग्स और इंस्टाग्राम रील्स बहुत सारा, इतना सपोर्टिव है, मतलब कि इतना सपोर्टिव है, उन लोग मेरे लिए गाना सिलेक्ट करते हैं, मेरे लिए मुझे तैयार करके देते हैं, मुझे डॉल रप करके देती है, और गाना भी सिलेक्ट करती है, बोलती है ऐसे करो ऐसे करो, मतलब इतना मज़ा लगा हर एक चीज़ करने में मुझे, सीरियसली गाइस इट्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट लाइक एवरीथिंग मैं जो बोल रही हूँ। सो यस, और यहाँ के बच्चे लोग तो मुझे इतना प्यार दिया, बोलते हैं दीदी मत जाओ रहो यहाँ पर, आई विश आई कुड स्टे मोर, लेकिन नहीं होगा वो, क्योंकि बहुत सारा आगे का और भी काम है, प्लान्स हैं, तो जाना पड़ेगा। तो यस गाइस यहाँ मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, और इस घर को बाय। इंस्टा पे नाउ क्या है मजा, इंस्टा में नाम है माला, इंस्टा नाम है तबायम एना, बोलो तबायम एना, हाँ देखना हाँ हाँ। तो ये बच्चा तो और भी सबसे ज्यादा प्यार दे रही है मुझे। गुद्दी आ इधर आ, गुद्दी बाय बोलो मुझे बाय। हाँ तो चलो, तो आई गो आई एंड द वीडियो हियर, मैं सबके थोड़ा थोड़ा क्लिप्स दिखाती हूँ और वीडियो ख़त्म करती हूँ। हर एक चीज़ मिस करने वाली हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ की वीडियो उठा रही हूँ, गाय बकरी भैंस सब चीज़ की और घर की। ये है पूरा सराउंडिंग घर का, गाय भी बहुत प्यारा, बड़ा प्यारा। बाय बाय, ऐसे करो बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, एंड कमेंट करना आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो यस गाइस आई विल टेक माई लीव फ्रॉम हियर, बाय गाइज़।